मैं शीतल कृष्ण शास्त्री मधुर बदायूं से विजय राणा स्टूडियो बरेली के सौजन्य से आप लोगों के समक्ष भाग पांच में ध्रुव चरित्र की कथा श्रवण कराने जा रही हूं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब ध्रुव की आंखों में आंसू छलक आए और गालों पर लकीर बनाते हुए भगवान की गोद में समाने लगे। भगवान बोले, ध्रुव तुम रोए क्यों? ध्रुव कहने लगे, प्रभु भक्तों को सताना आपका कार्य बन गया है। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खाकर के गुजारा करती रही, कभी घर पर भी नहीं गई। भगवान कहते हैं, ध्रुव यदि सच कहे तो सच ये है कि यदि तुम्हारी माँ और तुम जौ की रोटी नमक के साथ नहीं खाते तो शायद आज तुम भी यहाँ मेरा भजन करने के लिए जंगल में नहीं आते। और ये सच बात है मेरे भागवत प्रेमियों। सुख में दुख में सो मेरे निशब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सो मेरे न करे तो दुख काहे को। भगवान तो हमेशा अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन इंसान भगवान के लिए भूल जाता है। और देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, यदि किसी घर में 4-6 लाख रुपए का फायदा हो जाए तो बहुत घमंड से कहेंगे ये कार्य हमने किया है। और यदि उसी घर में 4-6 लाख रुपए का घाटा लग जाए तो कुर्मा में बैठ करके बहुत रोते हैं, भगवान ने बहुत बुरा किया, भगवान ने बहुत बुरा किया। जो अच्छा किया वो हमने किया और बुरा किया वो भगवान ने किया, फिर भी भगवान अपने बच्चों को नहीं भूलते। और भगवान के लिए तो सिर्फ दो ही प्राणी भजते हैं, एक वो जो पूर्ण ज्ञानी है और एक वो जो दुनिया के सताए हुए हैं। और जो अपने घमंड में जगना चूर है वो भगवान से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आदत से ही मजबूर है। और आजकल देवी देवता की पूजा भी नहीं रही है, आज तो सिर्फ एक ही देवता की पूजा है, पेट देवता। इसे पेट देवता नहीं पेट लेपता कहना चाहिए। क्यों? जिंदगी निकल जाती है इस पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी भरा ही नहीं, निश्चिंत है ये पेट। और देखो शरीर के लिए पेट से बहुत मतलब है, लेकिन पेट को शरीर से बिल्कुल मतलब नहीं है। कैसे? जब पेट में दर्द होता होगा तो एक हाथ भी पटकेंगे, पैर भी पटकेंगे, लेकिन पेट को शरीर से कोई मतलब नहीं है। एक हाथ टूटे तो टूट जाए, एक पैर टूटे तो टूट जाए, आप हॉस्पिटल में पड़ोगे लेकिन ये पेट कभी खाली नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया है, पेट की चपेट में खुशामत करनी हो, बुरे बुरे बोलवा के बोलन से सहने हुए, बड़े बड़े मूर्खन से चतुरा कहने हुए। किसके लिए? पेट के लिए। पेटी के पीछे लोग इत उत बुराई लेत, पेटी के पीछे लोग गाय कटवाए देत, और पेटी के पीछे लोग बाड़ी बूढ़े को प्याय दे। मेरे भागवत प्रेमी, ये पेट है, इसे भरने के लिए चाहिए रोटी। इसमें दो शब्द होते हैं, क्या? रोटी। और ये रोटी आदमी क्यों कैसे नाचना चाह रही है? देखो रोटी का कार्य होता है नाच नाच कर बड़ा होना। जब रोटी पटापे पड़ती है तो भी नाचती है, जब हाथ में आती है तो भी नाचती है, जब तबे पर जाती है तो भी नाचती है, और जब चूल्हे में जाती है तो भी नाचती है। तो इसका कार्य होता है नाच नाच कर बड़ा होना। और ये रोटी इंसान को कैसे नाचना चाह रही है? सुनो, भाई है रोटी के लिए बहु सास में लड़ाई है।
खुद नाचते हैं पीछे नचाते हैं रोटियां। खुद नाचते हैं पीछे नचाते हैं रोटियां। अब आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। भगवान बोले हैं, बेटा आप हमसे कोई वरदान मांग लीजिए। अब ध्रुव कहने लगे हैं, नहीं प्रभु हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान बोले, यदि तुम्हें कोई वरदान नहीं चाहिए तो ठीक है, हम अपनी इच्छा से देते हैं। जो जगह हमने देवताओं से छुपा कर रखी है, तुम जाओ, जाकर के वहाँ पर शासन करना और शासन करके लौट आना, वो जगह तुम्हें हमेशा खाली मिलेगी। और इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव आप हमारे बेटा के लिए ऐरावत हाथी पर बिठा करके इनके घर तक छोड़ा। देखिए मेरे भागवत प्रेमियों, ये वही ध्रुव है जो एक दिन पैदल भागते हुए और जंगल में भगवान का भजन करने गए थे, आज ऐरावत हाथी पर बैठ कर जा रहे हैं। और भगवान की निगाहें एक बार जीवन में हो जाए फिर क्या है, फिर तो खुशी ही खुशी है। अब ध्रुव जा रहे हैं ऐरावत हाथी पर बैठ करके। इधर गांव को लोगों को पता चला है कि ध्रुव भगवान की दर्शन करके आ रहे हैं, तो सोचा कि भगवान के दर्शन नहीं होंगे कोई बात नहीं, चलो भगवान के भक्त के ही दर्शन कर ले। यह सोच करके बड़े बूढ़े बच्चे जवान सभी चले हैं ध्रुव के दर्शन करने के लिए। इधर ध्रुव ऐरावत हाथी पर बैठकर आ रहे थे। अब ध्रुव कहने लगे हैं, ध्रुव ने जब बड़े बूढ़े लोगों को और पैदल चलते हुए देखा तो इंद्रदेव से बोले, इंद्रदेव आप अपना ऐरावत हाथी जरा नीचे कर लीजिए, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल चल रहे हैं, हमें नहीं अच्छा लगता, हम भी पैदल ही चलेंगे। देखिए कितना शिष्टाचार है छोटे से बच्चे में कि कहने लगे हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल चल रहे हैं, हमें नहीं अच्छा लगता। लेकिन मैं तो कहती हूँ, हे कलयुग महाराज, आपके शासन से शिष्टाचार कहाँ चला गया। अब तो कोई नौजवान लड़का राम राम भी नहीं करता। अरे क्यों राम राम करे तो नाक ही कट जाती है। और यदि कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति अपनी तरफ से राम राम कर भी दे तो गर्दन उचका कर चलते हैं कि हम कुछ लगने लगे इसके डर की वजह से हमसे राम राम कर रहे हैं। और अब तो राम राम सीता राम राधे श्याम सब पीछे रह गया। अब तो पढ़े लिखे लोग हैं तो अंग्रेजी भाषा जल गई है, टाटा बाय बाय की हाय हाय, बस यही है अब तो। और देखो पहले जब रिश्तेदार आते थे घर में तो उन्हें दूर तक विदा करने के लिए जाते थे, कहते भैया राम राम फिर से आना। अब ऐसा नहीं है। अब कोई रिश्तेदार घर में आएगा घर से बाहर भी नहीं निकलते, अंदर से ही कर दी बाय बाय, आए सो आए अब कहू मत आइयो। कितना बदल गया जमाना। और पहले जब पैर छुए जाते थे तो अपना मस्तक दूसरों के चरणों में रख देते थे, तब पैर छुए माने जाते थे। लेकिन फिर नियम बदला, सोचा कहां अपने मस्तक को दूसरे के पैरों में रखें। फिर क्या हुआ, पैरों से हाथ लगाए और मस्तक से लगा लिए, हो गए पैर। अब आकर के साफ समझदार हो गए। अब क्या है, वैसे तो पैर छूते ही नहीं है, कभी होली दीपावली पर नंबर आ भी जाए पैर छूने का तो क्या करते हैं, परियों से हाथ लगाया और सीने से लगा लिया, हो गए पैर। ये कोई पैर नहीं छुए जाते हैं, ये एक इशारा किया जाता है कि ये छाती बनी रही तो ये परियां अवश्य तोड़ेंगे, ये इशारा होता है। और अब तो नाम भी रखते नहीं है, पहले जब नाम रखे जाते थे तो ऐसे नाम रखते थे कि किसी पुत्र को बुलाते समय किसी देवता का नाम आए और पुत्र को बुलाते समय किसी देवी का नाम आए। अब ऐसा नहीं है, पहले हमारे बड़े बूढ़े लोग जो थे वो पुत्र के नाम रखते थे राधे श्याम कृष्ण गोपाल राम गोपाल, ऐसे नाम रखते थे। और बेटियों के नाम रखते थे लक्ष्मी देवी माया देवी वैष्णो देवी ममता देवी, ऐसे नाम रखते थे।
अब ऐसे नाम नहीं रखे जाते, अब तो छोटे छोटे नाम रखे जाते, चिंटू, मिंटू, किटिपू, अब ये नाम है। और देखिए जो देहातों में, गांवों में बच्चों के नाम है, वही बड़ी बड़ी छुट्टियों में कुत्तों के नाम है। कितना बदल गया आदमी अंग्रेजी भाषा में आकर। गई बदल देश की प्रणाली, हुआ देश धर्म से बहुत बदल गया जमाना। पहले से पहले जब घर में उत्सव होता था, कोई प्रोग्राम होता था, तो सबसे पहले बहन और भांजी के लिए बुलाया जाता था। पहले उत्सव जब होता था, भांजी के बहन बुलाया जाता। अब ऐसा नहीं है, अब बहन भांजी उधर घर में राहा देख रही कि भैया आता होगा हमें लेवाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, उनका बहन भांजी घर पैरों देखे तलब लबाए लाए घर साली, हुआ देश धर्म से खाली। कितना बदल गया जमाना। एक कवि कहता है कि भगवान कन्हैया के शासन में दूध की नदियां सी बह गई थी, लेकिन अब दूध के दर्शन ही नहीं है, बल्कि घर में बच्चे रोते पड़े हैं तो पड़े हैं, भैंस से निकल नहीं पाया, वो दरवाजे पर पहले से ही लेकर खड़े हैं। और अब है भी कि अब तो सिर्फ चाय है, चाय। देखो सतयुग में था दूध प्यारा और द्वापर में घी, सतयुग में था दूध प्यारा द्वापर में घी, और कलयुग में तो चाय प्यारी फूक फूक के पी। कलयुग में तो चाय रह गई है। यदि आपके घर पर कोई रिश्तेदार आए, आप उसे दूध दही या मठा पिलाओ तो वो आपकी कभी तारीफ ही नहीं करेगा। और यदि आपने उसके जाते ही एक कप चाय बनाकर पिला दी तो हर जगह तारीफ करेगा, वो बात तो बड़ा बढ़िया है, जाते जाते चाय तैयार। तो भाई गौर करते हैं कहानी की तरफ। इधर मेरे भागवत प्रेमियों, ध्रुव जो थे वो पैदल चलते जा रहे हैं, तो जाकर के ये मौसी के पास चले। उधर स्वर्जी जो थी वो एकदम से डरने लगी, दासी से बोली ला करके मुझे जहरी दे दे। दासी बोली अब जहर मंगा रही, पहले नहीं सोचा था कि ये जिएगा या मरेगा। तब तक भाग करके स्वर्जी ने और किवाड़ बंद कर लिए। तो ध्रुव जो थे वो बाहर से आवाज लगाने लगे हैं, मौसी दरवाजा खोलो मौसी। और क्या बोले दरवाजा खोलो। Oh my.
घर में बाहर से आवाज लगाने लगी, माँ दरवाजा खोलो। सोरची ने दरवाजा खोला। सोरची एकदम से मांगने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो। उस दिन अनजाने में पता नहीं मैंने आखिर क्या क्या कह दिया। दर्व कहने लगे, मौसी माफी न मांगो, क्योंकि यदि उस दिन आप मुझे थप्पड़ न मारती तो शायद मेरी जिंदगी में भगवान के दर्शन कहाँ थे। अंत में मौसी से मिलने के बाद में ये माँ के पास गए। माँ से कहा, माँ कहने लगे है बेटा तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। बोले हाँ माँ। माँ बोली, हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले हमें भी भगवान के दर्शन कराओ। बोली, लेकिन बेटा मैं भगवान के दर्शन कैसे करूंगी, तुम्हारे जाने के बाद में रोते रोते मेरी दोनों आंखें सूज करके बंद हो गईं। दर्व बोली, कितनी बड़ी बात है माँ। दर्व ने जैसे ही अपने माँ के आंखों पर अपना हाथ रखा, वैसे ही उनकी आंखें एकदम से खुल गईं। अब दर्व ने भगवान का ध्यान धारा। आ गए भगवान, सोई चतुर बुद्धि भगवान रे, मन में खूब मुस्काए। भगवान ने अपने दर्शन दिए हैं और दर्शन देने के बाद में ये अंतर ध्यान हो गए। तब तक ध्रुव के पिता तानपाद आ गए और तानपाद कहने लगे, बेटा अब आप इस राज्य को संभालो और हम तो चले भगवान का भजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये तो इंसान की आदत ही। अरे कल कल करते करते तो बीत गया सब काल, कल आई नहीं कल गई तुल दए काल ने गाल। बोले बेटा आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इसी में मौत आ जाती है। इंसान दुनिया से चला जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता, इसीलिए सुनो आता है अपनी मौत से और कोई कदर नहीं। मौत आ जाती है, इंसान दुनिया से चला जाता है, कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए अब इस राज्य को आप संभालिए, हम जा रहे हैं भगवान के भजन करने के लिए। अब महाराज उत्तानपाद अपनी दोनों रानियों को अपने साथ में लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चले गए। उधर विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो पत्नी घर पर आई, लेकिन मेरे भागवत प्रेमियों ध्रुव के जीवन में भी एक दुख टूटा था। क्या? ध्रुव की मौसी का जो लड़का था उत्तम, उसे एक कुबेर ने मार दिया था। कुबेर ने क्यों मारा था वो बताएं जल्दी में। कुबेर ने इसलिए मार दिया था क्योंकि कुबेर की जो
लड़की थी वो उत्तम से बहुत प्रेम करती थी। एक बार उत्तम रथ लेकर जा रहे थे, लड़की ने रास्ता गिर लिया, बोली उत्तम, उत्तम बोले हाँ, बोले सुनो, बोले कहो, बोली उत्तम मुझे आप अपने साथ ले चलो, मैं आपके साथ विवाह करूंगी। उत्तम बोले पागल हो गई हो क्या, अरे हमारे भाई हमसे बड़े हैं, वो हमारा विवाह जहाँ करेंगे हम वहाँ करेंगे, क्या तुमसे करेंगे। लड़की नहीं मानी, लड़की कहने लगी उत्तम यदि आप हमारे साथ में विवाह नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। उत्तम बोले मर ही तो जाओगी, मर जाओ, हमें क्या है, हम तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लड़की पीछे पड़ गई और क्या बोली, चले गए जो छोड़ तुम बिन नाए जी पाऊंगी। मेरी बात सुन लो। उत्तम बोले कितनी बार कहूँ विवाह तुम्हारे साथ में नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लड़की पीछे पड़ गई, करती भी क्या, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। उन्होंने बहुत मना किया लेकिन लड़के नहीं माने। अंत में लड़की ने कहा यदि तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। श्राप के डर की वजह से उत्तम ने उस लड़की को अपने रथ में बिठा लिया। उधर कुबेर के लिए खबर पड़ गई, उत्तम ले गया लड़की को तो अपनी फौज के साथ में, और उत्तम को अकेला पा करके जान से मार दिया और अपनी लड़की को अपने साथ लेकर अपने घर चले गए। इधर जब ध्रुव को पता चला कि मेरे भाई को कुबेर ने मार डाला तो अपने भाई का दुख सहन नहीं हुआ और ब्रह्म शस्त्र हाथों में लेकर के चले हैं भाई का बदला लेने के लिए। जैसे ही चले तो ब्रह्मा जी ने रोक लिया, ठहर जाओ बेटा, अपने भाई का दुख मत करो क्योंकि आपके भाई की इतने ही दिन की जिंदगी थी, बैर भाव में संसार नष्ट हो जाएगा, आप अपने क्रोध को शांत करो। ध्रुव ने अपना क्रोध शांत किया है। अब कुछ दिन व्यतीत हुए तो इनके बेटा हुए उत्कल, इन्होंने अपने पुत्र उत्कल के लिए राजा बनाया और ये फिर से भगवान का भजन करने के लिए चले गए। तो मेरे भागवत प्रेमियों, ये वही ध्रुव हैं जो ध्रुव तारा के नाम से आज भी अपनी जगह पर अटल हैं। विद्वान लोगों को कहना है ये ध्रुव तारा जो ध्रुव हैं वो आज तक अपनी जगह पर हैं, इसीलिए कहा गया है व्यर्थ जाए तन जल सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का। हर चीज व्यर्थ में चली जाए लेकिन भगवान का नाम कभी व्यर्थ में नहीं जाता। बोली भक्त बल्लभ भगवान की।
विजय राणा स्टूडियो बरेली के सौजन्य से ढोलक पर शांति कर रहे हैं गौतम यादव अंकल जी, किशोरुआ बदायूं से सिमटा पर शांति कर रहे हैं रंजीत सिंह अंकल जी, गिद्दर पर बदायूं से पैड पर शांति कर रहे हैं जितेंद्र यादव भैया जी, किशोरुआ बदायूं से बोली बंद।